भाई अगर जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट अगर पॉजिटिव होता है तो दैट मीन्स कि मेरा कर्व मिनिमम है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट नेगेटिव होता है तो मेरा कर्व मैक्सिमम है। मिनिमम कर्व किस तरह होता है? इस तरह से होता है। मैक्सिमम कर्व किस तरह से होता है? इस तरह से होता है, ठीक है। अब मेरा, मैं फॉर इंस्टेंस ले लेता हूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट है 1.3 एंड मेरी डोमेन, अब मैं डिफरेंट डोमेन्स रखूंगा और उस पर डिफरेंट रेंजेस निकालूंगा। अच्छा, मेरे पास कर्व मिनिमम रखा हुआ है हमने। अब अगर मैं डोमेन रखता हूँ एक्स बिलोंग टू रियल, इसका मतलब ये है, इस डोमेन का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग टू रियल का मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी पॉजिटिव एक्स वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव एक्स वैल्यूज भी हैं। तो अगर इस तरह का केस होगा कि एक्स बिलोंग टू रियल, तो अगर मैं इस अपने कर्व को प्लॉट करूंगा तो किस तरह से प्लॉट होगा, ये आएगा मेरा 1.3 टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। क्या ये ग्राफ कहीं पर रुकेगा? ये एक्स एक्सिस पे आगे जाता रहेगा तो वाई एक्सिस पे भी ऊपर जाता रहेगा, इसकी रेंज क्या होगी? वाई पे ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है बताओ, वाई पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है? So, y पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 3 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है 3 से, तो y greater than equals to 3 हो जाएगी रेंज, सही है जी। अगर डोमेन लेते हैं x greater than equals to 0, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो भाई 1.3 तो टर्निंग पॉइंट है, 0 पे क्या वैल्यू आ रही होगी? 0 पे वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, मैं लेट्स से ले लेता हूँ, 0 पे मेरे पास आ रहा है लेट्स से 5। मेरा ग्राफ किस तरह से बनेगा? इस तरह से बन रहा होगा और ये ऊपर जाता रहेगा। x 0 से बाद से शुरू हुआ है और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लीस्ट वैल्यू ऑफ y क्या है? 3 ही है, तो इसकी भी रेंज यही होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एक और चीज देखते हैं, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, वन कॉमा थ्री टर्निंग पॉइंट है, 4 पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई होगी और लेस देन इक्वल्स टू 4 जाना है, यानी मेरा ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ y क्या है? कहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है? 3। जोर से बोलो, 3। 3 से, तो इसकी भी रेंज वही होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तीनों केसेस में क्या हुआ, रेंज मेरी 3 से ही स्टार्ट हुई, ठीक है। एक और केस देखते हैं, जीरो पे आ रहा है लेट्स से 5 आ रहा है और 5 पे 1.3 टर्निंग पॉइंट है, एक ऑर्डिनेट ये हो गया और हम बोलते हैं कि भाई 5 पे इक्वेशन तो पता होगी ना, तो ये वैल्यू तो हम इक्वेशन से फाइंड कर ही लेंगे, एक्स इक्वल टू 5 इक्वेशन में डालेंगे। मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू 5 पे 10 आ रहा है, तो मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई क्या है? कहाँ पे स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ? 1। ग्राफ y की बात कर रहा हूँ, रेंज। अच्छा, y की 3। तो y greater than equals to 3, लेकिन मैं यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे अब बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि भाई x यहाँ से यहाँ तक ही है, तो यानी मेरा जो ग्राफ है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? स्मॉलेस्ट तो यहाँ से है, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है?
टेन तक जा रहा है ना, तक मैक्सिमम टेन तक जा रहा है, ओके तो ये रेंज हो जाएगी। अब इसको हम समराइज करते हैं। देखो तीनों केसेस में क्या हो रहा था, एक्स बिलोंग टू रियल की बात करूं या एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करूं या लेस देन फोर की बात करूं या जीरो से फाइव तक की बात करूं, इन चारों डोमेन्स के अंदर जो टर्निंग पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल्स टू वन, क्या इन चारों डोमेन्स के अंदर एक्स इक्वल्स टू वन फॉल कर रहा था, x इक्वल्स टू वन इन चारों डोमेन के अंदर इंक्लूडेड था, यस और नो? भाई बिलोंग टू रियल x की सारी वैल्यूज हैं, जाहिर सी बात है x इक्वल्स टू वन भी होगा, x ग्रेटर देन जीरो जा रहे हो तो x इक्वल्स टू वन इसके अंदर आ जाएगा ना, x लेस देन फोर जा रहे हो तो x इक्वल्स टू वन इसके अंदर आ जाएगा, x 0 से 5 जा रहे हो तो इसके बीच में भी x आ जाएगा, चारों डोमेन्स के अंदर टर्निंग पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसीलिए मेरी जो रेंज है वो हर केस में टर्निंग पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही है। जब डोमेन के अंदर एक स्टेटमेंट लिख लो, व्हेन डोमेन इंक्लूड्स टर्निंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट then range will start from turning point y coordinate. जब भी डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट यानी उसका x कोऑर्डिनेट फॉल करेगा तो रेंज हमेशा मेरी टर्निंग पॉइंट से ही स्टार्ट होगी और रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये वाली बात समझ आई? Yes, sir. अब जी लास्ट वाले में देखो, मेरे पास दो वैल्यूज थी तो मैंने रेंज तो 3 से स्टार्ट कर दी, दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, मैं दोनों वैल्यूज 0 और 5 को इक्वेशन में डालूंगा और देखूंगा किससे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है, तो वो मेरी यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है मिनिमम कर पे तो मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू देखूंगा कि मैक्सिमम मेरा ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, तो दूसरी वैल्यू मेरी वहां से आ जाएगी और एक वैल्यू तो टर्निंग पॉइंट वाली ही होगी, ठीक है? और यही केस अगर मैक्सिमम कर्व के साथ होता तो वो उल्टा हो जाता। मैक्सिमम कर्व में क्या होता है, मिनिमम कर्व में मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टर्निंग पॉइंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम कर्व में लेस देन इक्वल टू टर्निंग पॉइंट हो जाएगा क्योंकि वो मेरा ग्राफ इस तरह चल रहा होता उल्टा, तो वो टर्निंग पॉइंट से मैं नीचे की तरफ जा रहा था इसलिए उसमें मैं लेस देन इक्वल टू टर्निंग पॉइंट होता, ठीक है? और उसमें अगर दो वैल्यूज आ रही होंगी तो मैं दो, अगर ये होती डोमेन तो मेरी रेंज टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट होती लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन दूसरी वैल्यू में क्या डालता, मैं दोनों इक्वेशन में डालता। और अब मैक्सिमम कर्व है तो मुझे ये देखना है कि सबसे लोएस्ट मेरा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, तो जो भी इन दोनों से वैल्यूज आ रही होंगी, जो भी स्मॉलेस्ट होगी वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। मिनिमम कर्व में दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम कर्व में दोनों में से लीस्ट वैल्यू, और स्टार्ट हमेशा टर्निंग पॉइंट से ही हो रही होगी अगर टर्निंग पॉइंट इंक्लूड हो रहा है डोमेन में, सही है? जी सर। और दूसरी बात, अगर टर्निंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता भाई तो सर क्या करेंगे, व्हेन डोमेन डज नॉट इंक्लूड टर्निंग पॉइंट, तो सिंपल, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं होगा, सिंपल क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज ऑफ डोमेन इन फंक्शन दैट बिकम्स योर रेंज, जो भी x की वैल्यू है वो इक्वेशन में डाल दो, जो भी वैल्यू आई वो तुम्हारी रेंज बन जाएगी। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, जो भी x की वैल्यू है सीधी सीधी इक्वेशन में डाल दो, जो वैल्यू आई वो हमारी रेंज बन जाएगी। अगर मिनिमम कर्व है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट वैल्यू, मैक्सिमम कर्व है तो लेस देन इक्वल्स टू दैट वैल्यू, ठीक है? दोनों बातें समझ आ गई?
यस सर। सुमैया जी सर। अच्छा इसके मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास से पहले वो करके आना, तो इसको हम फिर आगे देखेंगे। इसमें हमारे पास अभी वन टू वन फंक्शन रह गया और कंपोजिट फंक्शन बहुत आसान सी चीज़ें वो रह गई है, और इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स और वन टू वन की। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से क्लास लगेगी, तो लेट्स दो क्लासेस और लगेंगे फंक्शंस में, उसके बाद हमारा फंक्शंस माइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर, मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, अगर कोई इशू हुआ मैं आपसे शेयर। सुमैया तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तक तो सब समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं आपसे रफा कर लूँ। ग्राफिस ग्राफिस।